किसानों के धरना समाप्त करने पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव का बयान आया है। ओम प्रकाश यादव ने कहा कि किसान भाइयों ने धरना खत्म करने में देर कर दी, मगर फिर भी देर आए दुरुस्त आए। किसानों का धरना समाप्त करना सभी के लिए सुखद है, लेकिन दोबारा इस प्रकार का कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए। उन्होंने CDS बिपिन रावत के निधन को अपूर्णीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि बढ़ती नशाखोरी प्रदेश के लिए गंभीर समस्या है। पाकिस्तान व अफगानिस्तान के रास्तों नशाखोरी का कारोबार हो रहा है। हरियाणा सरकार नशाखोरी को रोकने का भरसक प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इसे लेकर 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वार्ता कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश को नशा मुक्त करने के लिए पंचकुला में नारकोटिक्स कार्यालय खोला गया है। प्रदेश के दूसरे जिलों में भी ये कार्यालय खोले जाएंगे। मैं कहूँगा कि किसान भाइयों ने धरना खत्म करने में देर कर दी, लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, और ये सभी के लिए बहुत सुखद, इस देश के लिए बहुत सुखद है, बात है कि कोई इस प्रकार का आंदोलन ना चले। मंत्री जी, इस मीटिंग आज कुल 26 परिवार थे और 14 परिवार पीछे के जो चल रहे वो थे, तो हमने सबको शांतिपूर्वक तरीके से सबको सुना, सबका निपटान किया। देश को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना। मैं कहूँगा कि कल का दिन बहुत मनहूस दिन था कि भारतीय सेना के तीनों सेनाओं के CDS कमांडर इन चीफ हेलीकॉप्टर हादसे में नहीं रहे। उसके लिए सारा ही देश शोक संतप्त है और राष्ट्रीय शोक भी घोषित कर रखा है, और हमने भी आज उनको 2 मिनट का मौन व्रत धारण करके उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की है।